शिवसेना के कट्टावर नेता रामदास कदम ने शिवसेना में करीब 52 साल तक सेवा देने के बाद आखिरकार कल देर शाम उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रामदास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल वह पार्टी में बने हुए हैं। रामदास का कहना है कि जैसे ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा दिया उसके बाद तुरंत उद्धव ठाकरे ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसको लेकर रामदास कदम ने मीडिया से बात करते हुए अपनी सफाई दी। सफाई में उन्होंने कहा कि हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है, सिर्फ हमने अपने पद से इस्तीफा दिया है। रामदास ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे उनसे बात करेंगे, इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, इससे वह बहुत दुखी हुए। फिलहाल रामदास कदम और उनके बेटे ने पहले ही एकनाथ शिंदे गुट का हाथ थाम लिया था और इसकी वजह बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को रामदास कदम ने कई बार समझाने की कोशिश की थी। एनसीपी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने शरद पवार का भी नाम लेते हुए कहा कि शरद पवार ने एनसीपी को खत्म करने का संकल्प लिया है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि रामदास कदम के बेटे महाराष्ट्र के जिस जिले से विधायक है वहाँ उन्हें फंड नहीं दिया जाता है, जबकि एनसीपी नेता के पूर्व विधायक 10 करोड़ का हाल में ही फंड दिया गया था, इसका भी आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले में रामदास कदम ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ और बताया, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। अनिल परब को जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्या बात है? नहीं, इसके लिए मैं एक अनिल गाउत, एक संजय, अनिल परब, एक आदमी जिम्मेदार नहीं है। उसमें जो कटकास्तान के वो शरद पवार जी ने और अजीत दादा ने किए। जब बाला साहब थे तभी से कोशिश था शिवसेना खत्म करने का उनका, लेकिन उनको जमा नहीं, वो सक्सेस नहीं हुई। आज उनको मौका मिला, उनको उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाया, कोरोना आ गया, 2 साल तो बाहर निकले नहीं, बाद में 6 महीना बीमार हो गए उद्धव जी। उसका फायदा अजीत पवार शरद जी ने उठा के ये शिवसेना को खत्म ही कर डालने का। ये 2.5 साल में आप देखो, अपने ही आपके माध्यम से हमें पता चला कि पिछले 2 साल में 2.5 साल में राष्ट्रवादी को कितना पैसा दिया गया, कांग्रेस को कितना निधि दिया गया, शिवसेना को कितना दिया, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ये आप लोगों को नहीं बताया। हम मुख्यमंत्री शिवसेना का बैठने के बावजूद भी शिवसेना 4 नंबर पर जब जाती है, इसका मतलब क्या है? तो ये कटकास्तान सब शरद पवार जी और अजीत दादा का था। MLA एकनाथ शिंदे ने अगर ये कदम नहीं उठाते थे तो अगले 2.5 साल में शिवसेना के 10 MLA भी चुन के नहीं आते थे महाराष्ट्र में, बिल्कुल नहीं आते थे। और जो शरद जी को चाहिए था वो मिल जाता था, वो मिल जाता था। इसके लिए मैं उनका सभी का अभिनंदन करूँगा जो एकनाथ शिंदे के साथ में गए। उन्होंने पक्ष बचाया, गद्दा वो नहीं है, उन्होंने तो पक्ष बचा रहा काम किया है, ये मैं कहूंगा। सर, आपने शिवसेना में निकाले हैं और आपने बोला था कि आखिरी सांस तक मैं शिवसेना में रहूंगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ आपने इस्तीफा दे दिया? आज मैं यही बोलता हूँ आपको कि मुझे 52 साल हुआ शिवसेना में, आज भी मैं यही बोल रहा हूँ मैं कि मरे तक मैं भगवा छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।